दिल्ली नगर निगम अब उन घरों पर भी कार्रवाई कर रही है जो अपनी तय सीमा से आगे बढ़े हुए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ऐसे ही डीडीए के कई फ्लैट पर निशानदेही की है जिनकी सड़क के ऊपर सीढ़ियां या फिर बैठने का चबूतरा बना हुआ है। एमसीडी ने निशानदेही करके सभी लोगों को आगाह किया है कि या तो संपत्ति मालिक बढ़े हुए हिस्से को स्वयं तोड़ ले या फिर नगर निगम इस पर कार्रवाई करेगा। दिल्ली की तीनों नगर निगम ने पूरी दिल्ली में एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम छेड़ी हुई है जिसको लेकर तमाम फुटपाथों बाजारों को खाली करा जा रहा है। इतना ही नहीं, रेजिडेंस इलाकों में भी जिन लोगों ने अपने घरों के बाहर अपने जो फुटपाथ बढ़ा रखे हैं उन पर भी निशान लगा के चली गई है एमसीडी। जिस तरह का निशान लगाया गया है और उसमें ये दर्शाया गया है, संकेत दिए गए हैं रेजिडेंट्स को कि आप लोग इस हद तक अपने फुटपाथ बना सकते हैं और अन्यथा नहीं तो एमसीडी उस पर कार्रवाई करेगी। इसीलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने जो फुटपाथ बड़े हुए हैं उनको खुद ही तोड़वा रहे हैं, क्योंकि एमसीडी ने साफ कहा है कि जो निशान आपको बनाए गए हैं, जो आप फुटपाथ या सीढ़ियां जो सड़क पर बनाई हुई हैं उनको आपको खुद ही हटाना होगा, अन्यथा एमसीडी उस पर कार्रवाई करेगी, जिसको लेकर आपको उसका जो खर्चा होगा वो भी देना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थल्ली और जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसको लेकर लोग खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं ताकि किसी तरह की जो एमसीडी की जो कार्रवाई है उससे बच सकें। और एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर पूरी दिल्ली में तीनों नगर निगम द्वारा मुहिम है और इसीलिए यहाँ पे जो निशान मार्किंग कर गए हैं एमसीडी के कर्मचारी उसके हिसाब से यहाँ पे जो फुटपाथ और आगे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं थल्ली उसको लोग तोड़वा रहे हैं। सर, जो मार्किंग करी है एमसीडी ने आपके यहाँ पे, क्या आप लोग उसी के हिसाब से अपनी ये सीढ़ियाँ पीछे करवा रहे हैं? हाँ, उन्होंने मार्किंग करी थी तो बोले कि ये तोड़वा दो नहीं तो जुर्माना ज़्यादा है, तो इस वजह से हम खुद ही तोड़वा रहे हैं। कुछ टाइम दिया था क्या? हाँ, कुछ टाइम दिया है आप लोगों को? नहीं, टाइम उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा तोड़वा दो इसको, तो हमने कहा चलो ठीक है, आस पड़ोस वाले से तोड़वा ही रहे। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि एमसीडी ने जिस तरह से यहाँ मार्किंग की है ताकि जो सड़क पे या घरों से जरूरत से ज़्यादा जो बाहर यहाँ पे थल्लियाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है उसको यहाँ पे तोड़ के वापस जो हद लिमिट तय की गई है उस पर ले जा रहा है, क्योंकि दिल्ली भर में इस तरह की जो मुहिम है एमसीडी द्वारा वो छेड़ी गई है। और जितना ही नहीं, सिर्फ फुटपाथ और बाजारों को नहीं बल्कि रेजिडेंस इलाकों के घरों के बाहर जो लोगों की जो आगे सीढ़ियाँ बनी हैं उन पर भी एमसीडी ने मार्किंग करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन संदीप के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली। तो अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। राजेंद्र नगर में एमसीडी का पीला पंजा चला, इलाके का जायजा लिया टोटल न्यूज़ संवाददाता विनय सिंह ने। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बाजारों में या फिर मार्केटों में फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा रहा है। बाकायदा रविवार का छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है कि जिन लोगों ने अपनी जरूरत से ज़्यादा या जगह पे अतिक्रमण कर रखा है, बाकायदा बेशक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेकिन उसको भी यहाँ पे जेसीबी द्वारा हटाया जा रहा है। तो ये अब राजेंद्र नगर में अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नगर निगम इसी तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो बोर्ड लगा हुआ है और किसी भी तरह से आगे लोगों ने टीन लगा रखी है या चादर लगा रखी है उसको भी यहाँ पे दड़ाया जा रहा है। ऐसे एमसीडी इससे पहले तमाम तरह के निर्देश जारी करके लोगों को पहले ही चेता चुकी है कि अपने अपने बोर्ड स्वयं हटा ले और अन्यथा इस पर एमसीडी कार्रवाई करेगी। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों ने टीन लगाए थे और यहाँ पे जो अपने अपने बोर्ड लगाए थे उसको एमसीडी हटाने की कार्रवाई कर रही है। अतिक्रमण को लेकर एमसीडी ने अपना सख्त रवैया अपनाया हुआ है। तीनों नगर निगम अपने अपने इलाकों में इस तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर क्योंकि अतिक्रमण को लेकर यहाँ पे मुहिम तेज है एमसीडी की और जहाँ पर भी किसी भी तरह से लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है और लगातार एमसीडी जो है अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।